इसको कहते हैं प्राइम चौराहा लखनऊ का, जैसे टीवी में प्राइम प्राइम टाइम होता है, वैसे ये लखनऊ का प्राइम चौराहा है। हजरतगंज कहते हैं इसको। शाम का वक्त हो रहा है, प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शनकारियों की संख्या है। कहा जा रहा है कि ये देश के खिलाफ कानून है, लेकिन देश के खिलाफ इस कानून में लड़ने के लिए सिर्फ इतने ही लोग उतरे हैं और पुलिस भी उससे कम नहीं उतरी है। सबके हाथ में डंडे वंडे आ गए हैं, समय पड़ते ही, हालांकि संख्या इतनी कम है कि डंडों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेताजी लोग अपनी अपनी बातें भी कह रहे हैं और देखिए वहाँ भी नेताजी हैं, भाई साहब बता रहे हैं। हालांकि नेता लोगों से कुछ हो जा नहीं रहा है, मोदी आजकल सब पर भारी चल रहे हैं। यह जो बिल आया है, नागरिकता संशोधन बिल जिसको कहते हैं, इसका विरोध मुसलमान क्यों कर रहे हैं? मुसलमान नहीं कर रहे हैं, देश का हर नागरिक कर रहा है। और इस बिल के खिलाफ कोई मुसलमान के खिलाफ नहीं आया, ये सबके लिए बिल आया है, काला बिल है। इसके लिए तो हम सब सड़कों पर हैं और इसका विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो पहले से थे उनको तो कुछ मिला नहीं, और एक नया काम के और विदेशी आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी। ये सब खिलवाड़ किया जा रहा है, जनता के साथ छला किया जा रहा है। महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है, उसका ध्यान हटाने के लिए, झारखंड हासिल करने के लिए ये बकवास काम किया जा रहा है। अच्छा, ये झारखंड चुनावी एक तरह का स्टंट है ये। जब भाजपा जहाँ हारने लगती है वहाँ चुनावी मुद्दा यही सब लेके आती है, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, उसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं है, वो उसी पर काम कर रही है और वो फेल भी हो रही है। ये जनता का आक्रोश में कोई मुसलमान नहीं है, सब सारे धर्म के लोग हैं। इस बात की सबूत है कि वो भाजपा के साथ नहीं, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इकट्ठा हुआ है। का जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उसको लेकर यहाँ युवा विरोध कर रहे हैं। आमतौर पर बीजेपी ये कह रही है कि इससे भी भारत के मुस्लिमों का या किसी समुदाय का कोई नुकसान नहीं है, फिर ये उबाल क्यों? ये उबाल इसलिए है कि ये किसी बात को क्लियर नहीं करते हैं, ये सिर्फ इस नज़रिए से देखते हैं अपने वोट बैंक को और सिर्फ पोलराइज करना चाहते हैं इस देश में। और मुस्लिम्स को आप समझाइए कि हम क्या करना चाहते हैं। आज बांग्लादेश ने इनसे लिस्ट मांगी है, आप बताइए कल तक आपने, आज 6 साल में उनसे बात तक नहीं करी आपने। आप पाकिस्तान से बात करते और ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं कि पाकिस्तान से हिंदू लोगों को भगाया जाता है। अरे वहाँ हिंदू लोग हैं ही नहीं, वो तो सब बांग्लादेश चले गए हैं। जब बंटवारा हुआ था तो ज़्यादातर हिंदू लोग सिंध के प्रांत में, पंजाब में हैं हिंदू, वो हैं। तो कितने पंजाबी आए हैं पंजाब में, आप बताइए। अमरिंदर सिंह ने कह दिया, वी विल नॉट एक्सेप्ट, क्यों कहा उसने? अरे भाई किसी चीज़ को समझो, देश में उबाल। भारत में बहुत सारे राजस्थान हरियाणा के हिस्से में हिंदू आके रहते हैं। रहते हैं, हम लोग कब कहते हैं कि उनको आप, हर शरणार्थी को आप दीजिए जगह, लेकिन जात धर्म के आधार पर क्यों किसी को दीजिए? तमिलनाडु, श्रीलंका में 1 लाख तमिल मार दिए गए, हमारे देश ने क्या किया? सवाल ये है कि आप शरणार्थियों को जगह दीजिए, भारत कभी नहीं मना करता है। लेकिन हमारे विवेकानंद ने भी कहा था, उन्होंने तो जन्म जब उन लोगों तक को दिया जिनको कोई नहीं दे रहा था अपने आप शरणार्थी की जगह। तो सवाल यह है कि हम शरणार्थियों के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ ये धर्म जात के युद्ध के खिलाफ हैं। लड़ रहे हैं मजदूर, अलग लड़ रहे हैं मजदूरों ने अभी देशव्यापी आज। लेकिन इस पूरी लड़ाई को हिंदू वर्सेज मुसलमान करने में सरकार सफल है। अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि इसको किसी भी सूरत में हिंदू मुसलमान न बनने दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुस्लिम समाज के लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, तभी, क्योंकि इस सरकार का एक षड्यंत्र है कि ये जो हर मोर्चे पर उसकी हार है, पराजय है, और वैश्विक मोर्चे पर भी लगातार उसको जो पराजय मिल रही है, वो किसी न किसी रूप में हिंदू मुसलमान करके अपना समय पूरा करना चाहते हैं। सरकार तो देश की जनता के लिए होती है, फिर षड्यंत्र क्यों करते हैं? ये आमतौर पे कहा तो यही जाता है कि सरकार देश की जनता के लिए होती है, लेकिन ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरीके से आजकल सरकारें बन रही हैं, किस तरीके से बनवाई जा रही हैं। जब पूरी सरकारी मशीनरी मिल करके सरकार बनाएगी तो जनता के वोट का कोई मायने नहीं रह जाता। लेकिन ये आबादी देखिए, अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाएँ, मुश्किल 200-300 लोग, और इतनी बड़ी आबादी है लखनऊ की, कुछ 1 करोड़ की होगी, तो इतनी कम आबादी इस तरह के प्रदर्शनों में, इस तरह के आयोजनों में क्यों आए? हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन धीरे धीरे कारमा आगे बढ़ेगा। पहले की तुलना में हम समझते हैं कि आज बेहतर आबादी है, और अभी हम लोग 19 तारीख को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत बड़ी आबादी उसमें शिरकत करेगी। समाज के हर तबके में हम लोग जा रहे हैं और ये सिलसिला अब आगे बढ़ेगा। ये इन्होंने चीज़ों को भड़का दिया है, और जिस तरीके से जो कैब लाए हैं वो मुसलमानों की एक बड़ी आबादी को अपमानित करने का जो सिलसिला शुरू किया गया है, ये
ये इसको सारा समाज महसूस कर रहा है। अच्छा एक बात देखिए कि लोग कह रहे हैं कि गरीब जो लोग हैं उन पर इसका ज़्यादा असर पड़ेगा, आप मजदूरों के बीच काम करते हैं, क्या अनुभव है आप? देखिए गरीबों पर तो इसका ज़्यादा असर इसलिए भी पड़ना है कि हिंदुस्तान में आर करीब 14 करोड़ मजदूर जो है वो प्रवासी मजदूर हैं, इंटरनल प्रवासी हैं। वो कहाँ, वो बिहार से जाकर के चेन्नई में काम करते हैं या झारखंड से जाकर के पंजाब में काम करते हैं और वह बेहद गरीब लोग हैं, उनके पास कोई कागज पत्र नहीं है। अभी आसाम में भी जो हुआ है आप देखेंगे कि बड़े पैमाने पे जो बिहार झारखंड यूपी से जो मजदूर गए थे उनकी संख्या जो है एनआरसी में ज़्यादा आई है। तो ये पूरे देश भर में जब लागू करेंगे तो जिस देश में 14 करोड़ वर्कर जो है पूरे देश भर में बिखरे हुए हैं प्रवासी मजदूर के रूप में, वो कागज़ कहाँ से लाएंगे? तो मुख्य बात यह है कि जो मैंने पहले तो लेकिन इतने बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर क्यों है जब हर जगह सरकार विकास ही करती रहती है? हाँ तो यही मुख्य सवाल आ गया है कि सरकार का ये दावा इसी से झूठा हो जाता है कि ये सरकारी आंकड़ा ही है कि 14 करोड़ जो है प्रवासी मजदूर हैं। इसका मतलब विकास के नाम पे केवल एक्विजिशन और मर्जर हो रहा है, छोटी छोटी कंपनियां एक दूसरे में मिल करके बड़ी कंपनियां बन रही हैं और उसमें रोजगार घटता चला जा रहा है। कोई उथल पुथल ना हो और जो मामले हैं वो कोर्ट में सुलझाए जाएंगे, लेकिन ये सरकार ने जिस तरह कैब एनआरसी लेके आई है वो एक समाज के ऊपर टारगेट करके और उसकी आड़ में पूंजीपतियों का भला, आदिवासियों का शोषण, जो बेचारे गरीब मजदूर हैं जो देश प्रदेश कमाने गए हैं, वो पूंजीपतियों के शोषण से कैब का क्या लेना देना है? सीधा सा लेना देना है कि जब वो जो लोग अपनी शनाख्त नहीं जाहिर कर पाएंगे, जब कागज नहीं दे पाएंगे, जो 50 साल पहले दिल्ली हरियाणा चले गए हैं, मानी बात है कि उनको यातना शिविरों में भेजा जाएगा और उनकी ज़मीन और उनकी जायदाद उनके जंगल खाली कराए जाएंगे, जो उद्योगपति को दिए जाएंगे, जहाँ भी उद्योगपति जमीन के बदले खजाने प्राकृतिक खजानों को का दोहन करेंगे। हिंदू के साथ होगा कि मुसलमान के साथ होगा? सबके साथ होगा। ये मुसलमान तो तलवार की एक नोक है, तो नोक पर खड़ा हुआ, लेकिन जो तलवार की धार है उसमें हिंदू भी है, आदिवासी भी है। गरीबों की तबाही है, असली इनकी गरीबों की तबाही है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये पूरी तरह से अदानी अंबानी और विदेशी कंपनियों के गोद में बैठ के इस देश को सांप्रदायिक आधार पर तोड़ना चाहती है। चौराहे से हजारों लोग गुजर रहे हैं, हर आदमी मुंह बांके देख रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन आदमी ठहरता नहीं है। देखिए तमाम गाड़ियाँ गुजर रही, हजरतगंज चौराहा है ये, और इस चौराहे से घंटे भर में लाखों लोग गुजर जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होगा कि क्या प्रदर्शन चल रहा है। कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि तो मुसलमानों का प्रदर्शन है, लेकिन नहीं मालूम कि ये किस बात का प्रदर्शन है। आमतौर पर देश में हमारा यही हालात है, कुछ प्रदर्शन आदिवासियों को हो जाता है, कुछ मुसलमानों का, कुछ अन्यों का, पिछड़ों का, जनता का कोई प्रदर्शन नहीं होता। हर प्रदर्शन बटा होता है, हर आदमी अपनी लड़ाई लड़ता है और कोई जीतता नहीं है, अंततः सरकार ही बाजी मार ले जाती है। चंचवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।